rolling up black windows when she go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just wait for the bullets fly, I'm the last one to die. तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप सो कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो ये देख सकते हो मेरे पीछे, मैं आ गया पूरा नेचरों के बीच पे। तो आज है संडे, तो मैं आया था संडे राइड पे। तो कहाँ पे आया हूँ वो देखने के लिए आप लोग को वीडियो स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं स्टार्टिंग से वीडियो। तो भाई लोग, अभी मैं सिक्स माइल ओवरब्रिज के नीचे पहुँच गया हूँ। ये देख सकते हो मेरा राइट साइड पे सिक्स माइल ओवरब्रिज। तो अभी सोच रहा हूँ कि मतलब राइड स्टार्ट करने से पहले कुछ खा लिया जाए, क्योंकि अभी सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, तो बहुत भूख भी लग रहा है। तो चलो देखते हैं इधर पे खाने के लिए क्या मिलेगा। तो भाई लोग, जोया नगर का केटीएम के सामने ही एक मुझे होटल दिखा है, तो चलो देखते हैं उधर पे क्या मिलता है खाने को। तो भाई लोग, राइड स्टार्ट करने से पहले इधर पे लॉन्च करके जाते हैं। इस होटल पे मैंने लॉन्च करने के लिए रुका है। अभी थाली वगैरह ऑर्डर कर दिया है, खाना खा के सीधा आप लोग के साथ मोटो ब्लॉगिंग में मिलते हैं। चलो। तो भाई लोग, अभी तो खाना पीना खा के हो गया है, तो अभी ज़्यादा देरी नहीं करेंगे और सीधा निकलेंगे राइड पे। तो चलो। तो भाई लोग, आप लोग को आगे का वेदर कैसा लग रहा है? तो मतलब आज मैंने सुबह सोच ही लिया था कि आज तो मेरा राइड कैंसिल ही हो जाएगा संडे राइड, क्योंकि मतलब सुबह इतना बारिश आ गया था ना, तो मैंने मतलब यही सोच लिया था कि आज तो संडे राइड नहीं हो पाएगा। लेकिन ऊपर वाला मेहरबान हो गया मुझ पर, और वेदर तो अभी देख ही रहे हो क्या ही कंडीशन कर रहा है। वेदर का बहुत सेक्सी लग रहा है, तो इसी वजह से आज संडे राइड हो भी पा रहा है वेदर की वजह से। मतलब सुबह जैसा वेदर था ना, वैसा वेदर रहता तो रूम से ही निकल नहीं पाते, मतलब राइड को तो छोड़ो। ओहो, क्या हो गया? और इधर पे पूरे रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिला, इधर पे आके झालूकबाड़ी पे आके ट्रैफिक मिल रहा है अभी। क्या मतलब, क्या ही करते हो यार भाई, सामने आ जाते हो। तो भाई लोग, मैं अभी झालूकबाड़ी से इस रोड पे जाऊंगा मिर्जा की तरफ, क्योंकि अभी मैं जिस तरफ जा रहा हूँ ना, उधर पे पहुँचने के लिए मुझे पहले मिर्जा पहुँचना पड़ेगा। कहाँ जाऊँगा अभी नहीं बताऊँगा, थोड़ी देर बाद तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कहाँ जा रहा हूँ। तो चलो मिर्जा की तरफ चलते हैं अभी। अरे भाई, तो किसी और एक ट्रैक पे चलो ना, क्या बीच में से गाड़ी लेके जा रहे हो यार। भाई लोग, ये जो गाड़ी वाले है ना, ये गाड़ी वाले मतलब जब हाईवे पे निकल के आता है ना, मतलब किसी ऐसे, ये देख रहे हो ये निकल के आ रहा है, ये मतलब इस तरफ देख ही नहीं रहा है, देख रहे हो ना। मतलब पीछे से आके कोई बाइक अगर इसको मतलब ठोक देगा, तो मतलब बाइक पे ही तो ब्लेम आ जाएगा। लोग तो बोलेगा कि बाइक स्पीड चला रहा था, स्पीड मतलब ओवर स्पीडिंग कर रहा था, इसलिए बाइक रुका नहीं पाए। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए यार, मतलब रास्ते पे गाड़ी निकलने से पहले एक बार अगल बगल देख लो, नहीं तो बड़ा एक्सीडेंट होने का चांस रहता है ना। ओहो, आज तो मिर्जा पे भी पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है। ऐसा ट्रैफिक में ना बाइक लेके मतलब बहुत फ़ायदा होता है गाड़ी लेके आने से ज़्यादा। बाइक से मतलब निकल सकते हो ना, मतलब थोड़ा थोड़ा रास्ता ही सही है बाइक निकलने के लिए। अभी ये जो मिर्जा का ट्रैफिक पॉइंट देख रहे हो ना सामने, वो ट्रैफिक पॉइंट से मैं लूँगा लेफ्ट टर्न, लेफ्ट, क्योंकि मैं अभी जहाँ पर जा रहा हूँ उधर पर जाने के लिए मुझे इस ट्रैफिक पॉइंट से लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। तो झालूकबाड़ी से आया था मैं, झालूकबाड़ी से आके इधर से मैं लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ मिर्जा से। तो चलो आप लोग भी जब आना, आने से मेरा मतलब मैंने जो बोला है रोड, वो रोड फॉलो करके आना। तो चलो। ओहो, आगे तो पूरा ट्रेन गेट पड़ा हुआ है, अभी इधर पे फर्स्ट मतलब रुकना पड़ेगा थोड़ा टाइम, कितना टाइम रुकना पड़ेगा पता नहीं। तो भाई लोग, अभी मिर्जा से थोड़े दूर आके मैं इधर पे फिर से राइट टर्न ले रहा हूँ, तो चलो चलते हैं। तो भाई लोग, आप लोग एक बार मेरा लेफ्ट साइड का व्यू देखो, क्या ही मतलब मौसम होके रखा है, वाह। तो भाई लोग, मोटर व्लॉगिंग करने का मतलब फायदा यही है कि आपको हमेशा नया नया जगह मतलब नया नया प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है। और एक बार देखो ना सामने का व्यू, क्या ही लग रहा है यार, वाह। इतना मतलब अच्छा मौसम में, इतना अच्छा व्यू के बीच में मैं बाइक चला रहा हूँ, तो सोच रहा मुझे मतलब क्या ही फील आ रहा है अंदर से, वो तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा कभी भी। अभी मतलब जो फील आ रहा है ना मुझे, तो आप लोग वीडियो को देखो ना, देख के मतलब आप लोग भी फील ले लो, लुक एट द ब्यूटी मैन।
तो ये देखो भाई व्यू, क्या ही सेक्सी रोड है यार ये, वाओ। Down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, whip, flip, get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. तो गाइस अभी इधर पे आके मैंने मतलब दो मिनट के लिए इधर पे रुका था, तो आप लोग को इधर का मैं एक बार व्यू चेक करवा देता हूँ। तो ये देखो मेरा बैक साइड का व्यू, वाओ। तो गाइज आप लोग को तो पता ही है, अभी कुछ दिन पहले हम लोग का असम राइड का प्लानिंग बना था जाहिर भाई, हीरोक भाई और डब्लू भाई के साथ, लेकिन वो प्लान मतलब पोस्टपोन हो गया है कुछ प्रॉब्लम के वजह से। आप लोग को तो प्रीवियस ब्लॉग में पता चल ही गया था क्या प्रॉब्लम हुआ हम लोग का, मतलब जाहिर भाई और हीरोक भाई का क्या प्रॉब्लम हुआ। तो वो जो राइड का प्लानिंग हुआ था ना, वो अभी मैं सोच रहा हूँ कि वो प्लानिंग मैं अकेले ही मतलब सोलो कवर कर लूँ, असम एक्सप्लोर करने निकल जाऊँ। तो आप लोग थोड़ा सा मतलब वीडियो पे, इस वीडियो पे थोड़ा सा मतलब प्यार बरसाओ, तो मैं अकेले ही निकल जाऊँगा। तो ये आप लोग का ऊपर है कि मैं अकेले एक्सप्लोर करूँ कि ना करूँ, आप लोग थोड़ा सा प्यार बरसाने से तो मैं अकेले ही निकल जाऊँगा। तो गाइस ये चेक करो एक बार मेरा आगे का व्यू कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताओ। ये रहा मेरा क्रूज कंट्रोल हिमालयन, कैसा लग रहा है व्यू बताओ। तो गाइस ये देखो कहाँ पहुंच गया मैं, ये रहा मेरा पीछे सांडुबी लेक। अभी इधर पे मैं बोटिंग के लिए जाने वाला हूँ, आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो चलो, तो अभी ये भाई हमें बोटिंग कराने ले जाएगा लेक पे, तो चलो चलते हैं। तो भाई एक बार हाय बोल दो। हाय। तो चलो चलते हैं। तो भाई लोग मेरा पीछे का व्यू चेक करो कैसा लग रहा है, कमेंट करके बता देना ठीक है। आप लोग भी आना इधर पे, ये भाई लोग आप लोग को पूरा डिटेल्स बता देगा। भाई इधर का बोटिंग का थोड़ा डिटेल्स बता दो। सुबह 9 बजे तक शुरू होते हैं। सुबह 9 बजे से शुरू होता है ना। अच्छा, 5:30 बजे तक, इवनिंग 5:30 बजे तक। 5:30 बजे तक मतलब पूरा बोटिंग चलता रहता है कि नहीं? और मतलब इधर पे पर पर्सन 100 रुपीज है बोटिंग करने के लिए, आप लोग भी आओ, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, 100 रुपीज है। तो 100 रुपीज़ में आप लोग को इतना अच्छा सा व्यू देखने को मिल जाएगा। Pulling out black windows when you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, whip, flip, get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. आप लोग को मैं यहाँ का एक बार व्यू चेक करवा देता हूँ। ये देखो कितना नेचुरल प्लेस है ये, आप लोग भी आओ कभी। तो भाई लोग अभी यहाँ से जल्दी निकलते हैं क्योंकि बारिश भी आने वाला है। पूरा आसमान देखो क्लाउडी क्लाउडी होके रखा है। तो इधर का व्यू तो आप लोग को एक बार मैंने दिखाई दिया, तो फिर से एक बार देख लो इधर का व्यू। अभी तो मैं निकलने वाला हूँ, तो चलो। तो भाई लोग आज का ब्लॉग मैं इधर पे ही एंड कर रहा हूँ। आप लोग को ब्लॉग देख के कैसा लगा बताना, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए 3 दिन बाय बाय, साइनिंग ऑफ।